एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं दृश्यम मूवी देखने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ इस मॉल में और देखती हूँ कैसा रहता है मूवी, बताती हूँ, उसके बाद आपको फीडबैक देती हूँ। मूवी देख के हम लोग घर आ गए हैं। मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करके ही गई थी, एक्चुअली मैं छोला बना ही के चली गई थी। मुझे पता था थोड़ा टाइम लग जाएगा तो छोला मैं बना के गई थी। उधर से लौटने टाइम मैं दो समोसा खरीद के ले आई थी। अभी मैं सर्व कर रही हूँ, एक्चुअली मैं बना रही हूँ चाट। तो छोला बना हुआ ही है, समोसा ले आए हैं। इसके समोसा को मीडियम पीसेस में तोड़ लिए हैं, इसके ऊपर मैं डाल दूँगी छोला। छोला को थोड़ा सा क्रश कर ली हूँ बनने के बाद, इसमें कलछुल से ऊपर से छोला डाल दिए, उसके ऊपर से दही डाल दिए। दही को अच्छे से फेंट लिए थे, उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा मिर्च ऐड कर लेंगे। थोड़ा इसमें इमली का चटनी ऐड कर देंगे, इमली घर में बनाई हुआ था तो चटनी ऐड कर ली है। आप चाहे तो हरा चटनी भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। काफ़ी लेट हो गया था, फिर मन नहीं किया बनाने का, तो जो था उसी में बना लिया। थोड़ा सा अनार का दाना डाल दिए हैं, थोड़ा सा इसमें भुजिया डाल दिए हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता ऐड कर दिए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड कर दिए हैं। तो चाट मसाला थोड़ा ध्यान से डालना होगा क्योंकि छोला में भी नमक है, दही में भी पिंक सॉल्ट है, ऊपर से चाट मसाले में भी नमक होता है, तो थोड़ा केयरफुली डालना होगा। ये हमारा आज का सिंपल सा चाट रेडी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट डे आप लोगों से। एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे, फाइनली कुछ अच्छा मूवी देखने को मिला काफी टाइम बाद। RRR के बाद ये मूवी मुझे काफी पसंद आई, दृश्यम 2। आप लोग भी जरूर जाइए, फैमिली के साथ जा सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। काफी सस्पेंस था, लास्ट में पता नहीं चल पा रहा था कि लास्ट में ऐसा एंड होगा, लेकिन काफी अच्छा लगा, ओवरऑल काफी अच्छा रहा। RRR के बाद कुछ अच्छा देखने को मिला मूवी, तो आप लोग भी फाइनली जा सकते हैं। अब तो मूवी काफी टाइम हो गया है तो काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, काफी अच्छा इसका रेटिंग भी है, तो आप लोग भी जाइए फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए। चलते हैं, आज सोच रहे हैं कुछ अच्छा बनाने का। और अभी ठंड का टाइम है, काफ़ी फ्रेश मटर गोभी सब्जी सारी मिल रही है, तो मैं भी काफ़ी सब्जी लाई थी। मैं बनाने अभी लंच में जा रही हूँ तहरी, जिसको भुजी खिचड़ी भी लोग बोलते हैं, हम लोग तो बिहार में भुजी खिचड़ी तहरी यही से बोलते हैं। तो चलते हैं, बनाते हैं आज का लंच। यहाँ मैं आलू और फूल गोभी को मीडियम पीसेस में कट करके ले ली हूँ, एक कटोरी मटर ली हूँ, आप चाहे तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल दिए, ऑयल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे गोभी और आलू। इसे हमें 50% तक कुक कर लेना है, ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में चावल के साथ भी इसे पकना है, तो इसे कवर करके 50% तक पका लेंगे। इसमें ऐड कर दिए हैं मटर, इसे हमें 1 मिनट के लिए बस पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पक गया है, इधर मैं मसाला रेडी कर लूँगी। एक जार में 5-6 कली लहसुन का ले ली हूँ, 1 इंच अदरक डाल दिए हैं, इसमें 4 हरी मिर्च 4-5 डाल दिए हैं, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, 1 छोटी इलायची, थोड़ा सा गोल मिर्च, 2 लौंग डाल दिए, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिए हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। मैं घी में बनाऊंगी
तहरी आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, घी में एक्चुअली काफ़ी टेस्टी लगती है। तो मैं 2 चम्मच कुकर में घी डाल दी हूँ, आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल दिए हैं, 1 बड़ा साइज़ का प्याज बारीक कट करके ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दिए हैं। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। प्याज अच्छे से भुन गया है, इसमें मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। जार में लगा हुआ था मसाला, उसमें पानी ऐड करके डाल दिए हैं। इसे हमें अच्छे से पका लेना है। मसाला भुन गया है, इसमें धुला हुआ चावल ऐड कर लेंगे। चावल को मैं 15 मिनट के लिए पानी में धो के रख ली थी, इसे एक बार चला लेंगे। गोभी आलू मटर जो भुने थे इसमें ऐड कर देंगे। इसे हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी ऐड कर लेंगे, पानी थोड़ा ध्यान से ही डालना है ताकि ज़्यादा गीला ना बने। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें चिकन मसाला थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। यह एवरेस्ट का चिकन मसाला है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, गरम मसाला तो आप ऑलरेडी पीस के डाल ही चुके हैं। इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करके 1 विसिल आने तक इसे पका लेंगे। नमक अभी ऐड देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि बाद में फिर दे नहीं सकते। ये हमारा भुजी खिचड़ी रेडी है, मसाला पुलाव कहिए तहरी कहिए, काफ़ी टेस्टी बना था। आप लोग भी इस तरीके से बना के ट्राई कर सकते हैं। यह हमारा आज का सिंपल सा 1 पॉट मील रेडी है। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। विंटर का टाइम है, हर घर में गाजर का हलवा तो बन ही रहा होगा, चाहे बनने वाला ही होगा, तो मैं भी गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये आधा केजी गाजर को छील के मीडियम पीसेस में कट कर ली हूँ। आप चाहे तो इसका कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैं चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। इसमें भी काफ़ी अच्छे से बारीक चॉप हो जाता है, काफ़ी यूज़फुल ये टूल्स मुझे लगता है किचन के लिए। देखिए बारीक चॉप हो गया है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है आप कद्दूकस किए हैं। आप चाहे तो 1-2 बार और चला सकते हैं, इससे भी बारीक चाहते हैं तो, बट इतना गाजर के हलवा के लिए ठीक है। सारे गाजर को मैं इसी तरीके से चॉप कर ली हूँ। इधर एक कढ़ाई में मैं 1 लीटर दूध को अच्छे से बॉयल कर ली हूँ, इसमें सारे गाजर को मैं ऐड कर लूँगी। जितना गाजर है उसका डबल मैं दूध ऐड करती हूँ। इसमें मुझे मावा ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना घी देने की ज़रूरत पड़ती, दूध खुद ही मावा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऊपर से कुछ भी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। दूध को अच्छे से हमें सुखा लेना है। बहुत ईजी है बनाना, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ट्रस्ट में काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए, देखिए कैसे मावा में कन्वर्ट हो गया है दूध, बिल्कुल ऊपर से आपको मावा देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, इसे भी हमें अच्छे से पका लेना है। शुगर डालते ही थोड़ा सा ये पानी छोड़ देता है, तो इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है थोड़ी देर के लिए।
अच्छे से सूख गया है। इसमें मैं इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी, घर में ही मैं पीस के रखती हूँ इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर इसमें मैं ऐड कर दी हूँ। आप चाहे तो इसमें ऊपर से इसी टाइम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं घी में भून के, पर मैं ऊपर से ही सर्व करने टाइम डाल दूंगी। ये हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ऊपर से आपको जो पसंद हो ड्राई फ्रूट्स वो ऐड कर सकते हैं। मैं किशमिश, बादाम और इसमें काजू ऐड कर दी हूँ। ये हमारा गाजर का हलवा इस सीज़न का रेडी हो गया। आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, बहुत ईजी है बनाना, थोड़ा टाइम लगता है बस, बट ट्रस्ट मी काफ़ी टेस्टी बनता है। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।